अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद हसन कंप्यूटर लेक्चर के हवाले से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था आपको समझ लगी होगी। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के अंदर तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिटरमाइन द आउटपुट। ये 9th नंबर चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। यहाँ पर हम वन बाय वन करके देखेंगे और कौन किस तरह आउटपुट निकली है ये हम सारा डिटरमाइन करेंगे। तो ए पार्ट है इंट नम। नम एक वेरिएबल का नाम है, इंटीजर उसकी टाइप है, वो उसको हमने 10 वैल्यू असाइन करवाई है। फिर उसमें सेकंड नंबर लाइन पे हमने कहा जी नम प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 5, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसके नंबर के अंदर 5 का इजाफा किया, फिर अगर 5 का इजाफा किया तो ये नंबर कितना हो गया 15। फिर इसके बाद नम माइनस इज इक्वल टू 2, फिर 2 का हमने उसके अंदर डिक्रीमेंट किया तो क्या होगा, ये 15 में से 2 निकालेंगे 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर नम इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय 3, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 39 बनता है। प्रिंट करके हम इसको जब नम को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 39 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी पार्ट देखें जी, वाइड मेन करली ब्रैकेट स्टार्ट इंट आई इज इक्वल टू माइनस 5। आई की वैल्यू कितनी है, माइनस 5। आई इंट के इज इक्वल टू आई परसेंटेज 4। आई परसेंटेज 4 लेंगे किसकी, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 4, 4 से डिवाइड करेंगे हम क्या करेंगे जी, आई की वैल्यू कितनी है 5, 4 से हमने उसको किया तो कितनी रिमाइंडर कितना बनता है उसका, माइनस 1 बनता है। 4 1 4 हो जाएगा और माइनस 1 आपका ये रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। सी जो है इंट एक्स इज इक्वल टू 3 है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ओ एक्स को हमने प्रिंट किया पहले, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने कहा जी प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स प्लस प्लस, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू प्रिंट होगी फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो 3 का 3 ही आ जाएगा नीचे, बाद में उसके 1 का इजाफा हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। थर्ड वाली जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, फिर प्लस प्लस पहले इंक्रीमेंट होगा, 4 था फिर 5 हो गया, 5 वो आपको प्रिंट हो जाएगा या 3 3 5 आपकी आउटपुट आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी इंट आई इज इक्वल टू 3 इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, बाद में इजाफा हो रहा है, ठीक है, वो असाइन हो जाएगा किसको, आई के अंदर 1 का इजाफा करने के बाद वो जे को असाइन हो जाएगा, इंट के इज इक्वल टू प्लस प्लस आई। तो यहाँ पर हमने पहले प्रिंट किया आई को तो ये कितना आ जाएगा, फिर जे को, फिर के को। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 3, और जे की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, जे की वैल्यू जो थी वो आई के अंदर 1 का इजाफा करके आना था, 4। जो के की वैल्यू थी वो के आई के अंदर 4 थी, 4 में से 1 वैल्यू की हमने तो वो 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग ये हुई है कि पहले वैल्यू जो आनी थी यहाँ पर आई की वैल्यू वो 5 आ गई, पहले प्रिंट आउट किया लास्ट वाली लाइन के ऊपर, आई कितनी वैल्यू होगी थी 5, और 3 वैल्यू किसकी आनी है, वो आनी है जे की, ठीक है। फिर क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट था, बाद में इंक्रीमेंट हुआ और पहले वैल्यू असाइन होगी, 3 आ जाएगा और के की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ई वाला जो है इंट नंबर इज इक्वल टू 6, नंबर कितना है 6 है, एक्स इज इक्वल टू 0 है, फिर हमने कहा एक्स इज इक्वल टू नंबर माइनस माइनस, यानी 1 का डिक्रीमेंट कर दिया उसके अंदर हमने, तो प्रिंट एफ करेंगे, एक्स को प्रिंट किया तो क्या हुआ, डिक्रीमेंट का था, पोस्ट डिक्रीमेंट था, तो क्या होगा वो 6 का 6 ही आएगा, बाद में डिक्रीमेंट होना था जो कि पहले प्रिंट कर दिया तो 6 का 6 ही आएगा। फिर एफ वाले में है इंट नंबर इज इक्वल टू 6 इंट एक्स इज इक्वल टू 0, फिर हमने कहा जी माइनस माइनस नंबर, यानी कि 1 का डिक्रीमेंट करेंगे किसके अंदर, एक्स की वैल्यू के अंदर, ठीक है, 6 था तो 5 हो जाएगा। फिर प्रिंट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, वो आपकी वैल्यू जो होगी वो 6 था तो 5 आपकी प्रिंट हो जाएगी,
तो स्टूडेंट ये आज का आपका लेक्चर था। मज़ीद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसी क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आपको इस टॉपिक के मतलब, तो आप क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, घर में इसको ट्राई ज़रूर करके देखना है टर्बो सी के ऊपर। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हुई तो क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।